आप देख रहे हैं अपना समाचार। हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी, हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी, हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने रितेश भाई को कि इन्होंने कैसा उत्सव रखा है, होली मिलन समारोह, जिसमें हमारा पूरा परिवार एकत्रित हुआ है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एकत्रित हुई है। देखिए, एक ही फ्रेम में हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी दिख रहे हैं, रितेश जी हैं, पवन भैया हैं, प्रदीप जी हैं, हमारे यश कुमार जी हैं, अयाज भाई हैं, करण पांडे जी हैं, और भी हमारे पूरे इंडस्ट्री के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो त्यौहार बनाए गए, मुझे लगता है त्यौहार बना ही इसलिए है कि सभी परिवार के लोग कहीं भी हों, त्यौहार में एकत्रित हो जाएं, एक साथ मिले। तो मुझे लगता है कि इसलिए ही ये उत्सव मन रहा है और हम सब भाई एकत्रित होकर के यहाँ पे मिलजुल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गेटअप की बात यह है कि मैं बगल में ही शूटिंग कर रहा हूँ, जहाँ मैं दुल्हा बना हूँ, दो दो दुल्हन वहाँ इंतजार कर रही हैं और मैं रितेश भाई बुलाए तो उन लोगों को कहा कि भाई थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि अब भाई बुलाए, मैं जाके आता हूँ, तो इसलिए मैं दुल्हे के गेटअप में आ गया हूँ। दुल्हन दो दो हैं, मधु शर्मा और आम्रपाली दुबे, दोनों लोग हैं। फिल्म का नाम है दुल्हा हिंदुस्तानी। हाँ नहीं, वहाँ मंडप लगा है, अगर आप लोग चले तो बाराती बन के शामिल हो सकते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि इन दोनों को भी जाने दीजिए, तो उन्होंने कहा या तो आप जाओ या तो इन दोनों को जाने दो। तो मैं बोला फिर आप इनकी पूरा परिवार है, भोजपुरी का, और दुल्हनिया भी रेडी है, तो फिर हाँ, और मैं तो शादी पे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो लगभग मेरी हर फिल्मों में दो तीन दुल्हन होती ही है। अभी तक 60-70 हो गया है और अभी कंटिन्यू है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। जी जी, वो पवन भैया हमको एक बार बताए थे कि मैं पूछा इनसे कि आपको बोलते हैं भोजपुरिया राजा, तो ये किंग बनने का आपके ख्याल कहाँ से आया मन में? तो पवन भैया कहना कि हम यार हमेशा एक चीज पढ़ी कि राजा लोग के 100-100 को मेहरारू रहे तो हम इन्हीं से आइडिया लेनी, हम कहीं ठीक बात अब हम राजे बने मेरा आज भी वो ऐसा गाना बन गया है, मुझे लगता है भोजपुरी के इतिहास में ऐसा गाना कभी नहीं बना। और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पवन सिंह जी को कि इन्होंने भोजपुरी के स्तर को इतना उठा दिया है कि अब गर्व हो रहा है हर किसी को कि भाई पहले हमको लगता था कि सिर्फ पंजाबी में इस तरह के गाने आते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, बहुत अच्छे शूट होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, उसमें मॉडल्स होती हैं, पर पवन जी ने वो गर्व हम लोगों को भी दे दिया कि हम लोग भी गर्व कर सके कि हमारे भोजपुरी में भी ऐसा गाना है। तो इसके लिए तो मैं पवन जी के लिए बहुत चाहूँगा कि आप लोग इनको शुभकामना दीजिए। और इन्होंने जिस तरह से रास्ता दिखाया है, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में भोजपुरी में अब इस तरह के गाने बनेंगे जिससे कि भोजपुरी के गानों का स्तर जो है काफ़ी ऊँचा बढ़ेगा, और इसका श्रेय पवन जी को जाता है। मैं तो प्लान बिल्कुल करता हूँ और मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि कुछ एक ऐसा फंक्शन किया जाए जहाँ पे कि सभी भाई हमारे एकत्रित हों। अभी अभी हम लोग ने BIPL किया लखनऊ में, जहाँ पूरी इंडस्ट्री को हमने एकत्रित करने की कोशिश की थी। अभी रितेश भाई ने यहाँ पे सबको एकत्रित किया है, तो हम सब अपने अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं कि बीच बीच में हम लोग जो है पूरी इंडस्ट्री एक साथ मिलन हो और मिलें और एक दूसरे से सुख दुख बांटें अपना, ये प्रयास रहता है। हाँ, मेरा आया 3 गाना, मेरा भी आ गया है, पर प्रवेश बोला कि
ट्रेंडिंग में वन पर गाना नहीं आ रहा तो मैं रोज एक गाना डालूंगा ताकि मैं ट्रेंडिंग में रहूं। ठीक है भाई, ये भी तेरा आइडिया अच्छा है, तू रोज एक गाना डाल। वो रोज एक गाना निकाला था। हाँ तो है, ठीक है, अच्छा है। देखिए पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे है, लेकिन एक बात आप लोग को कहना चाहूंगा कि आज चाहे मैं हूँ, पवन भैया हैं, रितेश जी हैं, खेसारी जी हैं, ये जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं और जिनको रास्ता दिया है वो हमारे बीच में है, मनोज तिवारी भैया, इन्हीं का लगाया हुआ बाग है। इन्होंने पुनर्जीवन दिया भोजपुरी सिनेमा को और गायकों को कम से कम एक रास्ता मिला। मैं भी बचपन से सोचता था कि मुझे कुछ एक जूनियर आर्टिस्ट का ही रोल मिल जाए, पर फिल्मों में मिले, ये मैं चाहता था। पर ये देन मनोज भैया की है कि जब इन्होंने ससुरा बड़ा पैसा वाला किया तो वहाँ से गायकों को भी हीरो बनने का मौका मिलना शुरू हुआ और तब जाके हम लोग आए। तो हम सबके सर्वश्रेष्ठ गायक हमारे बीच में, मैं ठीक है कोई बात नहीं, किसी वजह से भैया अभी थोड़ा होली गा नहीं रहे, मना भी नहीं रहे हैं, उसका रीजन आप सब भी जानते हैं। तो ठीक है, कभी अगली बार जब मुलाकात होगी तो आप लोग को होली मैं गा दूँ। मेरा एक गाना अभी आया है वो मैं सुना देता हूँ। हजार गारी रे हजार गारी रंग डलबत दे हब, हजार गारी रंग डलबत दे हब, हजार गारी रंग डलबत दे हब, हजार गारी रे हजार गारी, हजार गारी रे हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी, हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी, हजार गारी हमार कुछ ना बिगारी।